दिल्ली सरकार के मुखिया भले ही लाख दावा करे कि दिल्ली में 70% से ज्यादा पाइपलाइनों से घरों में पानी पहुंच रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ये नज़ारा है देश की राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज, रामनगर के लक्ष्मणपुरी और अमरपुरी का। देखकर आप भी स्तब्ध रह जाएंगे कि 3 से 4 साल के बच्चे भी पानी के लिए किस कदर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। जिन मासूमों के हाथ में कॉपी कलम होनी चाहिए, उनके हाथ में पानी की कैन है। इन मासूमों के हाथ में पानी की कैन देखकर शायद नेताओं को भी शर्म आ जाए कि किस कदर पानी के लिए बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 4 सालों से पानी की समस्या काफ़ी गंभीर बनी हुई है। पानी दूर दूर से लाना पड़ता है, पीने के लिए पानी मोल खरीदना पड़ता है। पानी की पाइप तो पड़ गई लेकिन पानी नहीं आया। यहाँ के लोग मजबूरन बोरिंग का गंदा पानी पीने को मजबूर है। बोरिंग के पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। पूरी दिल्ली रात को सोती है, हम पानी के लिए भटकते रहते हैं। पानी को लेकर यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक पानी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सुनिए इस बुजुर्ग महिला का दर्द। पानी हमारे को मुश्किल है। अब ये बोतल भरेंगे किसी को, तुम्हारे जाते को बोलेंगे वहाँ डालेंगे। कब से पानी नहीं आ रहा, कितने साल? दो साल हो गया। जब नए पैप पड़े तब भी लगाया, पानी नहीं आ रहा। लेकिन केजरीवाल सरकार का कह रहा है कि हमने सब घरों में पाइप दिया। देखो पैप दिए, पैप को क्या करना है। दो ढाई सौ लाइन पड़ी है, एक गली में 4 लाइन पड़ी है, पानी नहीं आ रहा। मतलब लाइन पड़ी है लेकिन पानी नहीं आ रहा। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। आप कैसे करते हैं मैनेज? ये करते हैं ना, इससे पीने का पानी मंगवाते हैं बोतल मोल, फिर हमारे को क्या फायदा हुआ। दिल्ली सरकार के लाख दावे के बावजूद दिल्ली में पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जल संकट और गहरा सकता है। संजय शर्मा संग दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए।